है और यह बीट हो जाएंगे और इसी के साथ मुदुड़ी का यह पहला गोल और ये गोल है लालू चुडू जी हां उनके द्वारा पहली लीड आती हुई। लेकिन कहते हैं ना हर मैच एक नया मैच, वहां आपने एक टीम को प्राप्त किया, फिर आपने सेकंड राउंड में अपनी जगह सुनिश्चित करी और सेकंड राउंड जब खेलने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेकंड राउंड में एक अलग टीम आपके साथ है। नॉकआउट का ये चरित्र और नॉकआउट के फुटबॉल मैचेस के जो चरित्र हैं ये काफी तेजी से बदलते हैं। सर्वाधिक गोल पोजीशन के साथ नजर आते हुए मुदुड़ी, हालांकि ये सेकंड राउंड का दूसरी पेशकश आप सबों के समय सामने, और जहां तक बात करें सेकंड राउंड की तीसरी मुकाबले की, एनआरएम फुटबॉल एकेडमी बनाम बाबा रौनक के बीच तैयार होकर रहेंगे। एक विशेष जानकारी अभी अभी फोन लाइन के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, YSC उधड़िया की ओर से जो आगामी दिनांक 12 और 13 फरवरी को दो दिवसीय फुटबॉल का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 32 टीमों की मांग और उसमें तीन टीम मात्र शेष कहेंगे। वैसे फाइनेंसर जो बड़ा बांबू क्षेत्र के उस YSC उधड़िया में टीम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। प्राइज मनी 30,000 पहला एंड दूसरा 20,000, तीसरे चौथे पर 10,000 और 5, 6, 7 जो है और यह बीट हो जाएंगे और इसी के साथ मुदुड़ी का यह पहला गोल और ये गोल है लालू चुडू जी हां उनके द्वारा पहली लीड आती हुई। कमाल का मैच खेलते हैं सोनो टप्पो, लेफ्टी के खिलाड़ी हैं, मैंने पहले भी कहा है एक खिलाड़ी में भी बहुत क्षमता रखते हैं, जबकि एक बड़े बड़े टूर्नामेंट में जब जब दामन थामते हैं टीम के जो मैनेजर कोच होते हैं अमित कुमार महतो जी, बहुत बड़ा टीम का बड़ापन है राजन, लेकिन आज मुदुड़ी की ओर से उनको दामन थामे हैं। अब कहीं गए समझ से बाहर समय लोकल हीरोज आयुराज FC कुलगुटु की टीम को, लेकिन ये वही टीम है जिन्होंने जिस अंदाज में खेला है ये जीता जागता सबूत आपके सामने, उम्मीद करेंगे बेहद जल्द वापसी कर सकती है। और इसी क्रम में थोड़ा सा जोखिमबद्ध तरीके से शंकर का उछाल, सामने तरुण महतो जैसे बड़े टीम के गोलकीपर मौजूद। बता दें ये जो गोलकीपर है तरुण महतो
मानसिंह मुर्मू जर्सी नंबर 4, इंद्रजीत राव जर्सी नंबर 2, शौरभ पोपो जर्सी नंबर 3, ठाकुर किस्कू जर्सी नंबर 6, सागर सरदार जर्सी नंबर 7 एंड मधु सरदार जर्सी नंबर 9, लालू टुडू जर्सी नंबर 11, राजन मुर्मू जर्सी नंबर 8 पर। फिलहाल तो ठाकुर इंद्रजीत के लिए, इंद्रजीत ने सरकाना चाहा मधु के लिए, लेकिन लालू से गेंद छूटी और गेंद आई फिर से अनिल। आगे बढ़ते हुए अनिल, लक्ष्य करीब है, किक जरूर आई और थोड़ा सा अनबैलेंस नजर आए थे अनिल होना का, और इसी वजह से शायद वो सटीक लेंथ और लाइन पर गेंद डाइवर्ट नहीं कर पाए। नतीजा गोल की किंगजर होता हुआ टीम मोदोडी। अच्छी फुटबॉल, एक गोल की बढ़त के साथ बने हुए हैं टीम डीवाईसी मोदोडी। क्यों ना हो, चांदिल क्षेत्र की टीम। सुंदर सा पास, लेफ्ट छोड़ को पकड़ के चले हैं और यहां पे ठाकुर सेंटर फॉरवर्ड की सीमा पर मधु के लिए। मधु बहुत ही जबरदस्त पास के साथ फिर से एक गोल मोमेंट को क्रिएट करता हुआ टीम है। बॉल मिस, काउंटर अटैक की संभावना। तीन खिलाड़ी तेज गति के साथ जगह बनाने की कोशिश करते हुए, बिल्कुल अच्छी पास लेकिन रिसीविंग थोड़ी सी खराब है। इसके बावजूद कुलगुटू के पाले में गेंद है, साहेब डोंगो रिसीविंग करने के साथ साथ फिर से कुजरी के साथ खेलना चाहा लेकिन गेंद छिटकती हुई फिर से एक बार मोदोडी। क्या ही सुंदर मुकाबला, ताबड़तोड़ फुटबॉल इस समय कुलगुटू और मोदोडी के बीच। बहुत बढ़िया पास फिर से मधु के लिए और मधु ने हेडर यहां पर, लेकिन आनंद फानन में राजा राम गेंद को वहां पर इंद्रजीत टू लालू। बहुत ही सुंदर कट यहां पर, लालू अंदर तक जाने की कोशिश, पूरी तरह से जोन के अंदर लेकर गए थे गेंद लेकिन किक करने का जगह नहीं बना पाए और इस तरह से डिफेंडर्स ने गेंद को वहां से निकाला और लंबी पास के द्वारा शंकर के लिए। शंकर ने बैक किया गेंद को, अच्छी तालमेल फिलहाल मुन्नो सिजोई। छोर बदला गया है, मौका बनेगा जर्सी नंबर 4, अच्छी रिसीविंग दिखानी होगी यहां पर। फिर से एक बार जर्सी नंबर 5, ऑन द ग्राउंड खेलते हुए दोनों टीम, लेकिन यहां पर क्या कुछ करना चाहे भाई, गोल तक पहुंचना मुश्किल। नो मैन एरिया में गेंद को लैंड कराए, अच्छी टेकअप जरूर किए थे। नतीजा आउट, थ्रो इन का मौका मोदोडी की टीम को मिलते हुए। दूसरी बढ़त की तलाश है एक तरफ तो दूसरी बराबरी की तलाश है एक तरफ, दुगना स्कोर अगर आ जाती है तो थोड़ी सी मुश्किलात और भी बढ़ सकते हैं। मौका है, मोदोडी रोका गया। काफी वोल्टेज साहब, ये लीजिए क्या करे क्या ना करे, आखिरकार शंकर। ओहो, इतना लेट से काम नहीं चलेगा शंकर बाबू। गेंद आपके पास थी, प्रहार करने की दरकार थी लेकिन आपने हद से ज्यादा वक्त लिया, नतीजा एक अच्छा मौका आपने गंवा दिया। और इस सिचुएशन में हो ना हो इस प्रकार की जो मौकाएं हैं इसे आपको अंजाम तक पहुंचाना ही पड़ेगा। और प्लांट कंपनी के बगल में इनामी राशि इस बार 30,000, 20,000, 15,000, 4, 5, 6, 10, 10,000 के नवाज आएंगे। 24 टीमों की डिमांड है,
एंट्री फी मात्र 3500 रुपया, दो जीत आपको 10,000 पहुंचाएगी। अब 40 प्लस का भी 8 टीमों का डिमांड है, तो खिलाड़ी इस मैच को देखें। ठाकुर हालांकि बॉल जीतने के बाद साथी को मौजूद करने में सफल रहे हैं। बैठे तालमेल का मुझे फिलहाल माधु इस खिलाड़ी में रिदम है, कमाल का मैच खेलते हैं राजन इंद्रजीत राव। फिलहाल ठाकुर के लिए सुंदर से गेंद को सरका है, मौका बनेगा और इस मौके के साथ ही ये दूसरा लीड की तलाश है टीमों को, और दूसरा लीड भी पूरी तरह बन चुका है। और कितना ये होगा कि इस बचे हुए समय है, इस समय के साथ क्या मैच में वापसी हो पाई कि नहीं, ये संभावना है टीम के लिए। लालू और लालू की जादू, कमाल का मैच, और आखिरकार तीसरा लीड भी तलाश थी और तीसरा लीड भी कंप्लीट। उस प्लेटफॉर्म में जरूरत है, यानी कुल मिला के यूं कहे हैट्रिक पर जर्सी नंबर 11, लंबे लंबे बाल, लेकिन यहां पर उम्मीद की किरण लहराई थी। हैट्रिकर बनने का ये सबसे एक सफल मौका, समय के मुख्तलिफ मैच को अगर बात किया जाए तो ये वही टीम है 4 गोल जैसी बड़े मार्जिन से जीती थी गुलुगुट्टू, और नतीजा इस मैच में देखे तो 3 गोल से पिछड़ रही है, और वो भी खासा वक्त है। लेकिन मैच फुटबॉल का है, यहां भी कुछ भी कहना गलत समय से पहले जरूर कहा जाएगा, मैच में कुछ भी संभव है भाई। गुलुगुट्टू जीजान लगाकर अगर खेलती है तो कहीं ना कहीं 3 गोल संभवता वो वापस कर भी सकती है, इसमें कोई दोहराय नहीं। लेकिन समय अगर आपके हाथों से निकल जाएगा तो फिर औपचारिकता शेष। दर्शकों को है कि मन में जिज्ञासा हो रहा है, मैं बातों को सुन रहा हूं, थोड़ी डीसी चैंडल है कि नहीं, कंफ्यूजन में बता दूं, इसमें आपको 4 खिलाड़ी आपको नजर आएंगे, इसमें 3 सोनू कभी कभी मैच खेल लेते हैं, ठाकुर को क्यों रेगुलर खिलाड़ी है, इंद्रजीत आपको तिरन महतो जो कि रक्षा का किताब पर निभा रहे हैं। और ठीक है, रक्षापंथी की अगर बात करें तो फिलहाल आयु एंड राजू गुलुगुट्टू इस खाल में भी उप शख्स हैं जो कि हमेशा टीम में वापसी की खोज करते हैं, जो कि अच्छी टीमों को 4 गोल से परास्त करने के बाद इस मुकाम तक पहुंचाए थे। फुटबॉल अकादमी आप लोग भी चलेंगे, मुकाबला बड़ा है, बहुत कोशिश रहा है चश्मदस के लिए, और ये कहीं ना कहीं इस वक्त पहला दंडाती हुई एक शानदार गोल। टीमों की बात करें और इसी के साथ आगे बढ़े क्रम में ठाकुर अच्छी तालमेल का मुजारा सोनू टप्पो, और कहीं गेंद सिमक से बाहर, फुटबॉल दिया जाए, चलिए फुटबॉल आ चुका है। जी हाँ, चलते ही मैच के बाद दोनों हुई टीम चलेंगे, मैच समाप्ति की ओर है। एनआरएम फुटबॉल अकादमी बना भाव बाबा रौनक, फिलहाल ठाकुर किसको एक अच्छी कोशिश कहेंगे, और के बॉल जितने में भी सफल नहीं हो पाए हैं तो हमें टीमों ने
कमाल का मैच खेल रहे हैं इस वक्त। मैच कहीं ना कहीं कहें तो मैच के अंतिम छोड़ों की ओर है दोनों टीमों ने। एक का मुकाबला चल रहा है। देखे वाली बातों की अच्छी कोशिश करेंगे हम लोग। जी हाँ चलेंगे इस चलते हुए मैच के बाद हुई टीम के टीम कप्तान आप सुबह से भी उम्मीद है कि समय से पहले अगर आप आते हैं। अच्छी तालबली का मुजारा बेहतरीन तालबली का मुजारा साथ आगे बॉल जीतने के बाद तले छोस से आक्रमण की तैयारी। दोनों ही टीम के टीम करता चलेंगे जल्दबाजी में और एक फाउल किक मौका बता हुआ अच्छी कोशिश और ये पे बहुत बड़ा चूक जश्न मुबारक के लिए सुंदर सा मौका बनेगा। लेकिन क्या ही पारी अपनी टीम के लिए। ठाकुर किसको खोज है टीम स्कोर की। लाल क्या क्या हैट्रिक स्कोर कर पाएंगे लेकिन देखना होगा। और यहां पे बहुत ज्यादा समय ले लिए क्योंकि इस टीमों का प्रति 3-1 का स्कोर है। 3 गोल करने के बाद अपने टीमों में एक वापसी जरूर हुआ है। देखना होगा बेहतरीन ताल में कमो जरा फिलहाल। अच्छी गेंद और कहने की गेंद सिमट से बाहर आयो राज एफ सी। फिलहाल सोनू बॉल जीतने के बाद अच्छी गेंद के साथ लालू कैफे की तैयारी थी लेकिन तालमेल की कमी कहेंगे। लालू टूडू क्या ही जादू दिखाते हैं लालू ने। राजीव ने फुटबॉल के प्रति काफी धनी है। कमाल का मैच खेलते हैं अपने टीम के लिए। बेहतरीन कोशिश कहेंगे हम लोग और आखिरकार देखते ही इस मैच को